निपटने के लिए अभी से तैयारियां प्रारंभ करें। मौजूद साधन संसाधनों को परखने का यही सही समय है। यह निर्देश बुधवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इंदौर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। मानसून के दौरान आपदा होने पर तत्काल मदद सुनिश्चित हो, इसके प्रयास किए जाएं। देखिए यह खास खबर। 15 जून से इंदौर जिले में मानसून सक्रिय होता है। इससे पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से बुधवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में कलेक्टर इलैया राजा टी ने एहतियात के रूप में किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में अभी से ऐसी तैयारियां रखी जाए जिससे कि आपदा से त्वरित रूप से निपटने में मदद मिले। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि मानसून के दौरान बिजली की आपूर्ति सतत हो यह सुनिश्चित करें। यशवंत सागर के गेट खोलने के पहले ग्रामीणों को विधिवत सूचना दी जाए। खदानों में विशेष निगरानी रखी जाए, संचालकों से उनकी फेंसिंग कराई जाए। शहर में पानी निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने जल जमाव वाले स्थानों को पूर्व से ही चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने पुल और पुलियाओं पर चेतावनी संबंधी बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं। तो बारिश का है ना सीजन आने वाला है, तो आपदा प्रबंधन समिति का भी ना मीटिंग हुई है। स्पेशली हमारी है ना चोरल ऐसे कितने भी नदी हैं, बारिश के दौरान है ना उफान में आती है, फ्लड आती है, वहाँ है ना क्या सतर्कता रखना है उसको डायरेक्शन दिए गए। उसके अलावा बहुत सारे जगह पे है ना नदी नाला के कारण है ना रास्ता है ना अवरोध होता है, वहाँ है ना PWD के द्वारा है ना वार्निंग बोर्ड साइन बोर्ड है ना लगाए जाए। उसके अलावा जब इस प्रकार का फ्लड आती है तो तत्काल है ना वहाँ बैरिकेडिंग के माध्यम से है ना आवागमन को है ना रोका जाए। नगर निगम एरिया में भी है ना कहीं भी है ना पानी भराव की सीधी ना रखें। अभी से है ना नाला सफाई, नगर पंचायतों में भी ना नदी नाला सफाई का है ना कार्य है ना उसका काम को है ना जल्दी करें। और उसके साथ साथ है ना ऐसे कोई भी खतरनाक है ना बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसको चिन्हित करें। इस बारिश के दौरान है ना मतलब कोई भी है ना बिल्डिंग कोलैप्स के कारण है ना कोई भी जनहानि ना हो, उसके लेकर भी ना डायरेक्शन दिए। बैठक में तय किया गया है कि आकस्मिक स्थिति के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP News इंदौर।